हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। मैं हूं नुमीहा और आप देख रहे हैं स्टडी फिट। आज का टॉपिक है लक्ष्मीबाई सारे शिक्षा महाविद्यालय। मैं इसमें लक्ष्मीबाई सारे शिक्षा महाविद्यालय के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सब के बारे में मैं इसमें बता रही हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं लक्ष्मीबाई सारे शिक्षा महाविद्यालय के बारे में पूरी डिटेल में। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लक्ष्मीबाई सारे शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना ताराचंद कमेटी के सुझाव पर 17 अगस्त 1957 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबद्ध था। तो दोस्तों यहाँ पे एक लाइन में दो तीन क्वेश्चन बन जाता है कि लक्ष्मीबाई सारे शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना किसके सुझाव पर हुआ था। तो ताराचंद कमेटी के सुझाव पर। कब हुआ था स्थापना इसकी? तो 17 अगस्त 1957 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। उस टाइम किस विश्वविद्यालय से संबद्ध था? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई सारे शिक्षा महाविद्यालय के पहले आचार्य कौन थे? तो पी एम जोसेफ। उनको 1967 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट है 1964 में, 1957 में इनका स्थापना हुआ और 1964 में जीवाजी विश्वविद्यालय के अधीन आ गया। ठीक ना, 64 में किस विश्वविद्यालय के अधीन आ गया? जीवाजी विश्वविद्यालय। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1973 में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। पहले क्या था? लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, तो उसके पहले राष्ट्रीय जोड़ दिया गया। तो 73 में नाम क्या बदला गया इसका? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय LNCPE, यानी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होगा। तो इसमें इंग्लिश में देखा या हिंदी में देखा, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पूछेगा कि लक्ष्मीबाई सारे शिक्षा महाविद्यालय का नाम LNCPE कब रखा गया, कब बदला गया? तो 1973 में। फिर उसके बाद 1982 में ऑटोनोमस संस्था का इसको दर्जा मिला, यानी स्वायत्त शासी संस्था का इसको दर्जा कब मिला? 1982 में। फिर उसके बाद 1995 में डीम्ड विश्वविद्यालय LNIPE में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगता है कि लक्ष्मीबाई सारे शिक्षा महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय में कब परिवर्तित किया गया? तो 1995 में, यानी LNIPE यानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में परिवर्तित हो गया, यानी डीम्ड विश्वविद्यालय में 1995 में। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण है या प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दो चार बार आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे वीडियो को तो जरूर याद हो जाएगा। फिर क्या हुआ नेक्स्ट है कि 2008 में इसको पूर्व विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। अब यह LNUPE लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हो गया है। तो इतना सब होने के बाद 2008 में इसको पूर्व विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, यानी अब इसको क्या बोला जाता है? LNUPE, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसका फुल फॉर्म तो होगा लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, या हिंदी में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को पूर्व विश्वविद्यालय का दर्जा किस सन में मिला, कब मिला? तो 2008 में। तो उसका नाम क्या हो गया? LNUPE लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट में 8 में पूर्व दर्जा मिल गया। फिर 2000 में युवा एवं खेल मंत्रालय भारत के अधीन आ गया। 2000 में क्या हुआ? ये युवा एवं खेल मंत्रालय भारत के अधीन आ गया। फिर नेक्स्ट है इसका एक और महाविद्यालय 1985 में त्रिवेंद्रम में खोला गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का एक संस्था त्रिवेंद्रम में कब खोला गया? 1985 में।
और उन्हें दूसरे ढंग से भी पूछ सकता है, दूसरे तरीके से भी, कि लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को 1985 में एक संस्था कहाँ खोला गया था, तो त्रिवेंद्रम में। नेक्स्ट है 2010 में गुवाहाटी असम में एलियन आईपीई खोला गया, तो 2010 में भी एक असम में खोला गया, 1985 में एक त्रिवेंद्रम में खोला गया। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। तो इसमें जितने भी पॉइंट है एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, और वही टॉपिक इसमें ऐड किया गया है जो इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या समझिए इसमें, मैं अभी क्वेश्चन पूछती हूँ। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कब हुआ था, 1957 में। कहाँ, किसके सुझाव पर हुआ था, ताराचंद कमेटी के सुझाव पर। पहले आचार्य कौन थे, पीएम जोसेफ, जिनको 1967 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। और जीवाजी विश्वविद्यालय के अधीन कब आया था, 1964 में। इसका नाम बदलकर एलियन सीपीई लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कब किया गया था, तो 1973 में। ऑटोनोमस स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा कब मिला था, 1982 में। डीम्ड विश्वविद्यालय यानी आईपी में परिवर्तित कब हुआ था, सितंबर 1995 में। अब पूर्व विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब मिला था, 2008 में, एलियन यूपीई लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय। और 2008 में युवा खेल एवं मंत्रालय भारत के अधीन आ गया। और इसका एक महाविद्यालय 1985 ईस्वी में कहाँ खोला गया था, त्रिवेंद्रम में। 2010 में इसका संस्था कहाँ खोला गया था, गुवाहाटी असम में। तो ये था इसके बारे में फुल डिटेल। नेक्स्ट है इस संस्था में कौन कौन से पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं पूर्णकालिक। तो पहला है शारीरिक शिक्षा स्नातक में 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, जिसे बीपीई बोलते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा परा स्नातक पाठ्यक्रम, जो 2 वर्षीय मास्टर डिग्री होता है, एमपीई। और शारीरिक शिक्षा में एमफिल 1 वर्षीय पाठ्यक्रम यहाँ पे चलाया जाता है। और योग और वैकल्पिक शिक्षा तथा खेलकूद कोचिंग संस्थान है, जहाँ पे विदेशों से भी छात्र यहाँ के अध्ययन करने के लिए आते हैं। और शारीरिक शिक्षा में पीएचडी भी होता है। और अन्य पाठ्यक्रम में सूचना टेक्नोलॉजी और खेलकूद प्रबंधन। तो दोस्तों, ये था आज हमारा लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के बारे में फुल डिटेल में, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी इसमें समाहित है। तो आगे मैं ऐसे टॉपिक पर बहुत सारे आपके यूजफुल वीडियो लाती रहूंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।